हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल एंड विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। और जैसा कि आप सबको पता है, मकर संक्रांति का नाम आता ही पतंगे दिखने लगती है। और ये जो फेस्टिवल है, यहाँ पे पतंगे क्यों उड़ाई जाती है? वैसे तो ये जो मकर संक्रांति है, दान धर्म पुण्य इनका जो है त्यौहार है। यहाँ पे दान पुण्य जो ज़्यादा होता है, लेकिन एक जो है मकर संक्रांति का नाम आते ही जो पतंग की है वो तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। और राजस्थान में ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति को हर जगह पतंगें उड़ाई जाती है। जो मेन मेन जगह है, जैसे लाइक जयपुर, सीकर, जो फतेहपुर सेकावाटी है उस एरिया में, एंड जो चूरू रिश्ते का, वहाँ पर ही सिर्फ पतंगें उड़ती है। बाकी जो राजस्थान के लाइक जैसे बीकानेर हो गया, तो वहाँ पे आखा तीज को जो कि गर्मियों में आती है उसको, और जो जोधपुर है वहाँ पे, जितना मुझे नॉलेज है, मैं श्योर नहीं, आई एम नॉट श्योर, जोधपुर में शायद जो है रक्षाबंधन पे पतंग उड़ाई जाती है। तो अभी हम लोग पतंग उड़ाएंगे और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि जो मकर संक्रांति है इस पे पतंग क्यों उड़ाई जाती थी, और ये कहानी है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी हम लोग पतंग उड़ाते हैं। ये नहीं हमारी पतंग है, और ये रहा हमारा धागा चरखा, और अभी पतंग उड़ानी शुरू करते हैं। तो देखते हैं कितनी काटते हैं, कितनी हम लोग कटवाते हैं पतंगे। तो किन्नी मतलब बांधना यार, 250-300 पतंग में ये सबसे बड़ा लफड़ा लगता है मुझे। यहाँ पे जो किन्नी है ये बांधना और उसके बाद सेट करना, ये सब लफड़ा रहता है, लेकिन जो उड़ाने में मजा आता है यार, वो अलग है। तो दोस्तों, उड़ा लिया हम लोगों ने पतंग, और वो रही हमारी पतंग, आप लोग देख सकते हैं। अभी पैसे लगते हैं, देखते हैं कितने हम लोग काटते हैं, कितने कटवाते हैं। और मैं आपको कहानी बताऊंगा कि जो पतंगे हैं वो क्यों उड़ाई जाती है। अभी ये कहानी है वो सुनना आप। तो सबसे पहले यार वो पतंग जी मैं उसको काट देते हैं, देखते हैं क्या होता है, पैसे लगा लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कहानी बताऊंगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, पतंग ही क्यों उड़ाते हैं। मकर संक्रांति का सबको पता है, दान धर्म जो है उसके लिए ये जो फेस्टिवल है वो है। और काइट फेस्टिवल बहुत कहते हैं हम लोग उसको। ये जो है मेरा छोटा भाई है परवेश शर्मा, तो अभी उस पतंग से पैसे लड़ाते हैं और देखते हैं कैसे कटती है, कटवाते हैं, क्या होता है। देखो पतंग आते ही परवेश भाग गया, पतंग लूट लिया। लेकिन यार एक बात है, उड़ाने से ज़्यादा लूटने में मजा आता है। और अभी इसके देखते हुए जो है ये बीच में कर रहा था, इसको काटते हैं लोग। तो दोस्तों काट दिया हमने पतंग, और रियल में यार पतंग कटने के बाद काफ़ी ज़्यादा मजा आता है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ पतंग क्यों उड़ाते हैं और क्या है एक्चुअली। मकर संक्रांति पे जो दान पुण्य है वो ज़्यादा होता है, और पहले जो धागा आता था, जो कच्चा धागा, सूत का धागा आता था, तो क्या होता था, परवेश पतंग उड़ा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको कहानी बताता हूँ कि जो मकर संक्रांति है वो क्यों मनाते हैं। बार बार ये बात यार बीच में कट हो रही है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मनाते हैं। तो लाइक जैसे मकर संक्रांति पे दान पुण्य ज़्यादा होता है, तो जो सूत का धागा है उससे पहले पतंग उड़ाई जाती है। तो पतंग कटती तो सूत का दान हो जाता, तो सूत का दान काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो पुराना ज़माना था पहले, तो मांझा भी है वो, उसमें भी सूत आता था, जो कच्चा धागा आता था वो सूत होता था। तो सूत का धागा होता था उसको कट के जो किसी के जो भी पतंग होता था उसको दान हो जाता था, या फिर लोग क्या करते थे, तोड़ तोड़ के छोड़ देते थे, तो उससे दान हो जाता था। लेकिन अभी क्या, हम लोग प्लास्टिक का मांझे से पतंग उड़ा रहे, तो काफ़ी बर्ड्स वगैरह घायल होते हैं, लाइक पुण्य से ज़्यादा पाप करते हैं। मैं भी उड़ा रहा हूँ, ध्यान नहीं देना चाहिए मुझे। तो ये जो पतंग उड़ाने की कहानी है ये यहाँ से शुरू हुई थी, कि जो सूत का दान है वो करते थे। और जैसा कि बीकानेर में आखा तीज है, तो उसमें भी पतंगें उड़ती है, और जैसा कि जोधपुर है वहाँ पे रक्षाबंधन में उड़ती है। अलग अलग स्टेट में जो है पतंगों का उड़ाने का दिन अलग अलग होता है, लाइक दिल्ली में भी मेरे को जहाँ तक याद नहीं है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को जो पतंग है वो उड़ती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर उड़ती है, लेकिन राजस्थान में क्यों उड़ती है वो मैंने आपको बताया। और अभी उड़ाते हैं पतंग और एन्जॉय करते हैं। तो मेरी जो पतंग है वो कट चुकी है, अभी वापस उड़ा रहे हैं, और जो जतिन है वो पतंग उड़ा रहा है। अभी देखते हैं ये कितने काटता है, पीछे तो मैं ही लड़ाऊंगा। ये रही हमारी पतंग जो पहली वाली थी, उससे हमने एक काटी, बाकी हमारी पतंग जो है कट चुकी थी। और अभी देख रहे हैं जतिन कितनी पतंग काटता है, और अभी उड़ा रहे हैं। सामने आप लोग देख सकते हो कितनी पतंग है वो, वहाँ पे देखिए आप लोग, मैं दिखाता हूँ, कैमरा थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए कितनी पतंग उड़ी है। और ये अपनी वाली, और अभी पेस्ट लड़ाते हैं, देखते हैं
वो हो गई अपनी, काट चुकी दोस्तों दोस्तों हमारी, हमने एक पतंग काटी है और अभी जो थर्ड पतंग है वो उड़ा रहे हैं। अब मैं वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं क्योंकि जो गाने हैं वो चल रहे हैं यहाँ पे साइड में, जो डीजे वगैरह है वो, तो उससे जो कॉपीराइट क्लेम है वो आ सकता है। मैं क्या है, मैं एक्चुअली खींच के पतंग काटता हूँ, मेरे को जो ज़्यादा डील देना और ज़्यादा लंबा ले जाना वो पसंद नहीं है यार, आगे जाके फंस जाता पतंग, तो मैं क्या नीचे नीचे बस हाथों हाथ काम करूँ, इतना ही काम करता हूँ। दोस्तों हमने काट दिए, जो येलो कलर वाली पतंग जा रही है वो हमने काटी है, देखते हैं और भी काटते हैं इस पतंग से, काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम हो गया पतंग काटी कट रही है, एक काटी है एक और गई, दूसरी भी हमने काट दी है, वो जो ब्लू कलर वाली है वो अभी देखते हैं। तीन पतंग चार कटवा दी, तीन काट दी अभी, सॉरी चार काट दी हम लोगों ने, और ये आ गया गई। तो दोस्तों लाइफ में जो है जिसका इंतजार है वो घड़ी आ चुकी है, अभी हम उड़ाएंगे चंदा गुड्डी, और ये जो है चंदा गुड्डी उड़ाना ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। पहले जो है मेरे भैया लोग क्या करते थे, जो चरखा आता है जिसको हम लोग चरखी बोलते हैं, उसमें ही दीपक लगा के पतंग के जो धागा है उसके बांध के और फिर उड़ाते थे, लेकिन अभी जो रेडीमेड ये सब आने लग गई तो इसको उड़ाना काफ़ी मज़ा आता है इसको उड़ाने में, लेकिन वो वाली फील तो यार इसमें नहीं मिलती, लेकिन फिर भी यार काफ़ी अच्छा लगता है इसको भी उड़ा के। और आपके यहाँ पे जो पतंगबाजी है वो कब होती है और आप इस फेस्टिवल को कब मनाते हो, आप कौन से स्टेट से हो, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो की क्या बात आपको अच्छी लगी और क्या बुरी लगी वो भी मुझे बताना, ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो आपको किस तरह के व्लॉग्स पसंद है, क्या चीज़ आपको पसंद है, ताकि आगे मैं उसके अकॉर्डिंग ही जो है वीडियो बना पाऊँ। और दोस्तों वैसे तो मैं हर साल ये जो काइट फेस्टिवल है जयपुर में ही मनाता हूँ, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, वीडियो में एक क्लिप डाली है मैंने जयपुर वाली जो कि लास्ट ईयर की है, तो मैं हर साल वैसे काइट जो काइट फेस्टिवल है ये जयपुर में ही एंजॉय करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जयपुर जो है मेरा सेकेंड होम है, तो इस साल इस पैंडेमिक के कारण वहाँ पर मैं नहीं जा पाया, और नेक्स्ट ईयर मैं वहाँ पर जाके जो है अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगा इससे भी अच्छा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप इस वीडियो को देख के चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद जय भारत।